रीजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज लास्ट क्लास है, छोटे छोटे टॉपिक पर हम आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए आज की टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इसी से रिलेटेड है, वायर। इलेक्ट्रोड भी वायर, दो टॉपिक है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड भी वायर। तो हम आपको आज तीन चार दिन से सेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसी भी सेल में, कोई भी सेल, किसी भी सेल में दो प्लेट होती है, दो प्लेट होती है। एक को कहते हैं एनोड, एक को कहते हैं कैथोड। एनोड का काम है इलेक्ट्रॉन त्यागना और कैथोड का काम है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो आइए, दो टॉपिक है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव। तो सुना जा, एक क्वेश्चन आया 2018 में बाबू, दो नंबर का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे। 2018 में दो नंबर का क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे। तो आइए समझा जाए, पहले इलेक्ट्रोड समझे। किसी सेल में या किसी सेल में उपस्थित एनोड और कैथोड, बताओ सेल में कितने प्लेट होते हैं, दो प्लेट, एक को कहते हैं एनोड, एक को कहते हैं कैथोड। तो एनोड और कैथोड को, एनोड और कैथोड को एक साथ इलेक्ट्रोड कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रोड कहने से एनोड का भी बोध होता है और कैथोड का भी बोध होता है। तो परिभाषा क्या देंगे, किसी सेल के एनोड और कैथोड को एक साथ, किसी सेल के या किसी सेल में उपस्थित, किसी सेल में उपस्थित एनोड और कैथोड को एक साथ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब आइए, इन कहने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोड कहने से एनोड का भी बोध होता है और कैथोड का भी बोध होता है। एनोड में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और कैथोड में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो अब आइए बाबू, किसी सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक होता एनोड और एक होता कैथोड। एनोड का काम इलेक्ट्रॉन का त्यागना, कैथोड का काम इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड में, प्रत्येक इलेक्ट्रोड में मतलब एनोड या कैथोड, प्रत्येक इलेक्ट्रोड कहने से, प्रत्येक इलेक्ट्रोड कहने से या तो एनोड का बोध होता है या तो कैथोड का बोध होता है। तो सुना जाए, प्रत्येक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। दो चीज समझा जा, किसी सेल में उपस्थित एनोड और कैथोड को एक साथ इलेक्ट्रोड कहा जाता है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। याद हो बाबू, एनोड और कैथोड को एक साथ क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब आइए, इलेक्ट्रोड विभव में दो तरह का कार्य होता है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन का त्यागना तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो याद करो, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण, यानी इस आधार पर इलेक्ट्रोड विभव
दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं ऑक्सीकरण विभव और एक को कहते हैं अवकरण विभव। ऊपर से आइए, एनोड और कैथोड को एक से याद क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड। प्रत्येक इलेक्ट्रोड द्वारा या प्रत्येक इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव में दो तरह का कार्य होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। अगर त्यागना है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण विभव, अगर ग्रहण करना है तो उसको कहते हैं अवकरण विभव। याद हुआ, एक बार और लास्ट से, एनोड और कैथोड को एक साथ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। प्रत्येक इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक को कहते हैं ऑक्सीकरण विभव और एक को कहते हैं अवकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और अवकरण विभव में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अगर कहीं बताओ, हम पूछेंगे कि देख बाबू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है तो कौन सा विभव, ऑक्सीकरण विभव। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है तो कौन सा विभव, अवकरण विभव। याद हुआ, एक बार और ऊपर से चलते हैं, किसी सेल के एनोड और कैथोड को एक साथ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। अब बताओ किसी सेल में इलेक्ट्रोड के एगो होता है दो गो, एगो एनोड है एगो कैथोड। तो परिभाषा इसका दे सकते हैं कि सेल के प्रत्येक इलेक्ट्रोड द्वारा, प्रत्येक इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक को कहते हैं ऑक्सीकरण विभव और एक को कहते हैं अवकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, ऑक्सीकरण विभव में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और अवकरण विभव में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कौन सा विभव, ऑक्सीकरण विभव। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कौन सा विभव, अवकरण विभव। ये था इससे रिलेटेड 2018 में एक क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे दो नंबर के, कितना ही लिखना आंसर। क्वेश्चन सुनो बढ़िया से, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे। तो आंसर इतना ही लिखना है, किसी सेल में उपस्थित एनोड और कैथोड को एक साथ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इतना ही लिखना है, समझ में आया बाबू। अब आइए नोट में, इलेक्ट्रोड विभव कितने तरह का, दो तरह का, एक को कहते हैं ऑक्सीकरण विभव और एक को कहते हैं अवकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव में, ऑक्सीकरण विभव में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है और अवकरण विभव में ऑक्सीकरण विभव में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और अवकरण विभव में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। बात समझ में, एक बार लास्ट हो जाए, अगर एग्जाम में आ जाए इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे तो सिर्फ इतना ही लिखना आपको है, किसी सेल में उपस्थित एनोड और कैथोड को एक साथ इलेक्ट्रोड कहते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, अब इसी बात को हम बोर्ड पर लिखते हैं तो गौर करके देखिए। तो बाबू जो पढ़ाए हैं वही बात को हम बोर्ड पर लिखे, देखिए एक बार देखिए, इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड विभव लिख करके अंडरलाइन डाल दिया, किसी सेल में उपस्थित एनोड एवं कैथोड को एक साथ इलेक्ट्रोड कहते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने का जो प्रवृत्ति होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक को ऑक्सीकरण विभव और दूसरा को अवकरण विभव कहा जाता है। ऑक्सीकरण विभव में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है,
जबकि अवकरण विभव में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। आइए एग्जाम्पल देखा जाए। पहला एग्जाम्पल याद कर, कई बार लिखे है, जिंक धातु के लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसमें त्यागने की प्रवृत्ति होता है, यानी जब जिंक धातु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और याद करो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना ही उस पर प्लस चला जाता है। तो जब जिंक आयन में कन्वर्ट होगा माने बदलेगा तो बताइए के गो त्यागेगा, दो गो, यानी इस पर हम लिखेंगे Zn प्लस टू। कई बार बताए इसका मतलब कि ए जो है अपनी कोटा से दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, माने एकरा में दो गो कम है, इसका मतलब बैलेंस करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब आइए चार बात बताए थे, प्लस आना माने लॉस करना, प्लस हटना माने गेन करना, माइनस आना माने गेन करना, माइनस हटना मतलब लॉस करना। अब आइए इस पर कोई चार्ज नहीं है, यहां कौन चार्ज है, प्लस, याद करो इस पर कोई चार्ज नहीं है, एकरा पर आ गया प्लस, तो प्लस आना माने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति है। तो अब बताओ कि जिंक को जिंक आयन में बदलना कौन सा विभव, ऑक्सीकरण विभव। हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण विभव कहते हैं। तो देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कौन चार्ज आया, प्लस। प्लस आना मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, अब त्याग करने की प्रवृत्ति में कौन सा विभव, ऑक्सीकरण विभव। तो आपसे कोई पूछेगा कि जिंक धातु को जिंक आयन में बदलना कौन सा विभव, ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण दूसरा देखो बाबू, याद करो जितना इलेक्ट्रॉन हम जोड़ते हैं उतना ही आवेश को और जाता है। तो बताइए प्लस टू इसमें दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, बताओ कि इलेक्ट्रॉन जोड़े तो दोनों आवेश हट जाए। अब बताइए यहाँ पर कौन चार्ज है, प्लस, यहाँ कुछ नहीं है, तो प्लस हटना माने इलेक्ट्रॉन का गेन करना, और गेन करने में कौन सा विभव, तो अवकरण विभव। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि कॉपर आयन को कॉपर में बदलना, यहाँ आइए, जिंक को जिंक आयन में बदलना ऑक्सीकरण विभव, कॉपर को कॉपर में बदलना, कॉपर आयन को कॉपर में बदलना अवकरण विभव। याद हुआ बाबू, जिंक को जिंक आयन में बदलना ऑक्सीकरण विभव, कॉपर आयन को कॉपर में बदलना अवकरण विभव होता, यही हम आपको पढ़ाए थे, इसी बात को बोर्ड पर लिखे हैं, कोई दिक्कत है। अब हम आगे बढ़ते मेरे भाई, पहले बढ़िया से देख लो, हाँ बाबू देखिए 2018 में एक क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे, अभी बताएं। देखिए आंसर है, किसी सेल में उपस्थित एनोड और कैथोड को एक साथ इलेक्ट्रोड कहते हैं, और प्रत्येक इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने का जो प्रवृत्ति होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्या बाबू, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे, तो आंसर यही लिखना है, किसी सेल में उपस्थित एनोड और कैथोड को एक साथ इलेक्ट्रोड कहते हैं, और प्रत्येक इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने का जो प्रवृत्ति होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। चलिए अब अगले टॉपिक पर हम विचार करते हैं। अगला टॉपिक देखा बाबू, मानक
मानक इलेक्ट्रोड भी बाबू। मानक इलेक्ट्रोड विभव इसी का अंग्रेजी वर्ड होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव। है अंग्रेजी वर्ड लेकिन उसको हिंदी में लिखा रहेगा ऐसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव। तीसरा इसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन तीन शब्द में कोई भी शब्द पूछ सकता है। 2000 आपका 10 में क्वेश्चन पूछा है 2010 में स्टैंडर्ड मानक विभव क्या है। स्टैंडर्ड 2010 का क्वेश्चन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव क्या है। 2016 में पूछा है मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे। चलिए तीनों एक ही टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस बात को समझा जाए बाबू। एक बर्तन है देखिए इस बर्तन में किसी पदार्थ का बिलियन रखा हुआ और हर बिलियन की अपनी सुंदरता होता है। इस बर्तन में किसी चीज का बिलियन बिलियन माने घोल चाहे चीनी का घोल है या नमक का घोल है। इस बर्तन में किसी चीज का बिलियन रखा हुआ है उस बिलियन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर। बात बस समझो इस बर्तन में किसी पदार्थ का बिलियन रखा हुआ है लेकिन उसकी सांद्रता कितना है 1 मोल प्रति लीटर। अब चलिए हर चीज का अपनी ताप एवं दाब होता है तो बताओ मेरी भाई इस बिलियन का ताप होना चाहिए 98 केल्विन और दाब होना चाहिए 1 एटम। समझिए बाबू बर्तन में जो बिलियन रखा हुआ उसकी सांद्रता कितना होना चाहिए 1 मोल प्रति लीटर। ताप कितना होना चाहिए 98 केल्विन। दाब कितना होना चाहिए 1 एटीएम। बर्तन में जो बिलियन हो जो किसी पदार्थ का घोल हो मैंने बर्तन में जो बिलियन लिए ना उसकी सांद्रता कितना होना चाहिए 1 मोल प्रति लीटर। ताप कितना होना चाहिए 98 केल्विन। दाब कितना होना चाहिए 1 एटीएम। तब समझिए कि 98 केल्विन ताप और 1 एटीएम दाब पर 98 केल्विन ताप और 1 एटीएम दाब पर यदि कोई इलेक्ट्रोड अभी बताएं 98 केल्विन ताप एवं 1 एटीएम दाब पर यदि कोई इलेक्ट्रोड 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले बिलियन में अरे कोई इलेक्ट्रोड चाहे तो एनोड हो या कैथोड हो बढ़िया समझो ताप कितना हो 98 केल्विन दाब कितना हो 1 एटीएम बिलियन की सांद्रता कितना हो 1 मोल लीटर। तेकरा में जो प्लेट डालेंगे तो चाहे तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या ग्रहण करेगा तो त्यागने या ग्रहण करने की जो कार्य होता है उसी को विभव कहते हैं। तो आइए बाबू बढ़िया समझो बिलियन की सांद्रता कितना हो 1 मोल प्रति लीटर ताप कितना हो 98 केल्विन दाब कितना हो 1 एटीएम। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोड द्वारा यानी एनोड या कैथोड द्वारा माने बिलियन की सांद्रता इतना हो ताप इतना हो दाब इतना हो तब ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोड द्वारा माने एनोड या कैथोड द्वारा जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।
याद हो गया। मानक इलेक्ट्रोड विभव परिभाषा कैसे देंगे, 98 केल्विन ताप एवं 1 ATM दाब पर यदि कोई इलेक्ट्रोड 1 मोल प्रति लीटर संधारिता वाले बिलियन में डूबा हो तब इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। इसको ई से दर्शाया जाता है, इसको ई से दर्शाया जाता है। एक बात और याद कर लीजिए कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का, मानक इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव कौन सी बताओ, इलेक्ट्रोड विभव 0 होता, कभी कभी आ जाएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो 0 होता है। या ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड विभव का मान, हाँ जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, जिस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव 0 के बराबर होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव 0 के बराबर होता है। या कंडीशन समझिए, मेरी बात पहले तो बताइए कि संधारिता कितना होना चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर, ताप कितना होना चाहिए 98 केल्विन, दाब कितना होना चाहिए 1 ATM। तो ऐसे रीजन में इलेक्ट्रोड द्वारा जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसका इलेक्ट्रोड विभव 0 के बराबर होता है। अब अगला बात समझो, मानक इलेक्ट्रोड विभव एक प्रकार के अर्धशेल है, मानक इलेक्ट्रोड विभव एक प्रकार के अर्धशेल है जो एनोड और कैथोड दोनों का कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव याद किया जाए, मानक इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 होता है। ऐसे इलेक्ट्रोड विभव का नाम बताओ जो एनोड और कैथोड दोनों का कार्य करता है, तो उसका नाम क्या हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव। याद रहेगा, बताओ बाबू मानक इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 होता है। उस अर्धशेल का नाम बताओ, उस इलेक्ट्रोड विभव का अर्धशेल कहो या इलेक्ट्रोड विभव कहो, दोनों की है। उस अर्धशेल यानी उस इलेक्ट्रोड विभव का नाम बताओ जो एनोड और कैथोड दोनों का कार्य करता है, तो उसका नाम क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। एक बार सुना जाए, पहले ऑब्जेक्टिव सुनिए, उस इलेक्ट्रोड विभव का नाम बताएं जो एनोड और कैथोड दोनों का कार्य करता है, तो नाम होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर बोलेगा कि उस इलेक्ट्रोड विभव का नाम बताओ जिसका इलेक्ट्रोड विभव 0 के बराबर होता, तो नाम क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर एग्जाम में आ जाए कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे, तो क्या लिखेंगे बाबू, कि 98 केल्विन ताप एवं 1 ATM दाब पर यदि कोई इलेक्ट्रोड 1 मोल प्रति लीटर संधारिता वाले बिलियन में डूबा हो तब इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर 2 नंबर के रहेगा तो नहीं छोड़ देना, और यदि जाओ 3 नंबर के रहे तो इसको बढ़ाएंगे। जिसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, इसको ई से दर्शाया जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव एक प्रकार की अर्धशेल होता है जो एनोड और कैथोड दोनों का कार्य करता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव 0 के बराबर होता है। याद हो गया, आइए इसी बात को हम बोर्ड पर लिखते हैं। हाँ बाबू, देखिए जो भी पढ़ाए वही चीज को लिखे हम बोर्ड पर। देखेगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तीनों की चीज है। परिभाषा क्या लिखे, 98 केल्विन ताप एवं 1 ATM दाब पर यदि कोई इलेक्ट्रोड 1 मोल प्रति लीटर संधारिता वाले बिलियन में डूबा हो तब इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। इसको माने मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको ई से दर्शाया जाता है। इसका इलेक्ट्रोड विभव मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव का
इलेक्ट्रोड विभव जीरो के बराबर होता है या हमने मानक या एक प्रकार के अर्धशेल होता है जो एनोड एवं कैथोड दोनों का कार्य करता है। बात समझ में आया? अब आइए एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं बाबू, देखते हैं। हाँ बाबू देखिए, जो प्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, देखिए दोनों 2010 में पूछा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव क्या है और 2016 में पूछा था मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दे। दोनों एक ही है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। क्या लिखे हैं? 98 केल्विन ताप एवं 180 दाब पर यदि कोई इलेक्ट्रोड 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन में डूबा हो तब इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव जीरो के बराबर होता है। बढ़िया से देख लीजिए, हम अब आगे देखिए अगला टॉपिक समझो। विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक श्रेणी, बात को समझा जाए। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? तो अभी हम एक वर्ड बताएं आपको, मानक इलेक्ट्रोड विभव। हर जैसे हर तत्व की अपनी परमाणु संख्या होता है, हर तत्व की परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक उसी तरह से हर तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो यदि तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर सजाने से जो सारणी प्राप्त होता है, जो श्रेणी तैयार होता है, जो डाटा प्राप्त होता है, उसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की व्याख्या करें, विद्युत रासायनिक श्रेणी को अपने शब्दों में वर्णन करें, तो क्या लिखना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर, मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर तत्वों को सजाने से जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। या तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर तत्वों को सजाने से जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब आइए इस श्रेणी की खासियत क्या होगा। इस तरह से आपका तत्व होगा, सोडियम कैल्शियम बीच में, हाइड्रोजन नीचे कुछ होगा, सपोज जिंक कॉपर, इस तरह से रहेगा आपका। अब आइए इस श्रेणी का खासियत समझा जाए, सुनिए बढ़िया से। क्या लिखेंगे कि श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे, इस श्रेणी में पहला गुण समझो, पहले परिभाषा समझ। अगर आ जाके विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके अनोखे गुण को लिखे, इसकी विशेषताओं को लिखे, है ना बाबू? तो चलिए परिभाषा, मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर तत्वों को सजाने से जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी की विशेषताएं यानी गुण इस प्रकार है। पहला गुण, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखे हो, देखो बाबू ये हाइड्रोजन, ये दोनों होगा हाइड्रोजन से ऊपर, ये दोनों हाइड्रोजन से नीचे। इस श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखे हुए धातुओं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी क्या लिखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी का पहला गुण कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखे हुए धातुओं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातुओं का ऑक्साइड अस्थाई होता है।
होता है और हाइड्रोजन से नीचे वाले धातुओं का ऑक्साइड अस्थाई होता है। याद करो, इस श्रेणी में माने कौन श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातुओं का ऑक्साइड अस्थाई होता है और हाइड्रोजन से नीचे वाले धातुओं का ऑक्साइड अस्थाई होता है। तीसरा गुण समझिए, इस श्रेणी में कोई भी धातु अपने से नीचे वाले धातुओं के अम्ल से, इस श्रेणी में कोई भी धातु अपने से नीचे, मान लिया जाए एक जिंक धातु है, जिंक धातु है ना बाबू, एकरा से नीचे कॉपर है, तो कहते हैं कोई भी धातु अपने से नीचे धातुओं के लवण से अभिक्रिया करके उस धातु को अलग कर देता है। सपोज डेट मान लिया जाए बाबू कि जिंक है आए का नीचे कौन है कॉपर, तो कॉपर का लवण क्या हो गया CuSO4, फिर समझो कोई धातु माने जिंक, अकद अपने से नीचे तो जिंक से नीचे कॉपर है, कॉपर का लवण CuSO4। अब आइए एकरा पर कौन धा, जिंक पर कौन चार्ज प्लस, SO4 पर कौन चीज माइनस, या अभिक्रिया कर लेगा ZnSO4 और कॉपर को क्या कर देगा अलग कर देगा। क्या बोला, कोई धातु अपने से नीचे धातु के लवण से अभिक्रिया करके उस धातु को माने कॉपर को अलग कर देगा। बात समझ में आए, शुरू से आइए। अगर एग्जाम में आ जाए विद्युत रासायनिक श्रेणी की व्याख्या करें, विद्युत रासायनिक श्रेणी को अपने शब्दों में लिखें, विद्युत रासायनिक श्रेणी को परिभाषित करें, तो इतना ही लिखना है बाबू, मानक इलेक्ट्रॉन विभाव के आधार पर तत्वों को सजाने से जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी का गुण इस प्रकार है, पहला इस श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखे हुए धातुओं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। दूसरा इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातुओं का ऑक्साइड अस्थाई और नीचे वाले धातुओं का ऑक्साइड अस्थाई होता है। तीसरा इस श्रेणी में कोई भी धातु अपने से नीचे धातुओं के लवण से अभिक्रिया करके उस धातु को अलग कर देता है। आइए इस बात को हम लिखते हैं बोर्ड पर। चलिए हाँ बाबू देखिए, तो जो पाठ पढ़ाए उसी को हम लिखे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी इकड़े से, मानक इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर तत्वों को सजाने पर जो श्रेणी का निर्माण होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है, पहला इस श्रेणी में H माने हाइड्रोजन, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखे हुए धातुओं गैस मुक्त करता है। दूसरा इस श्रेणी में H माने हाइड्रोजन, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातुओं को ऑक्साइड अस्थाई होता है और हाइड्रोजन से नीचे वाले धातुओं को ऑक्साइड अस्थाई होता है। इस श्रेणी में कोई भी धातु अपने से नीचे वाले धातुओं के लवण से अभिक्रिया करके उस धातु को अलग कर देता है। यहाँ पर एक दो नंबर का क्वेश्चन आएगा बाबू, आप पूछो कि आप कौन साल पूछ, हमको याद नहीं है, क्वेश्चन ही होगा ना, घर पर लिख लीजिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो नंबर का क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, कौन सा पूछा हमको याद नहीं है लेकिन पूछा हुआ है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है दो नंबर में, तो खाली नहीं लिखना है कोची कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर तत्वों को सजाने से जो श्रेणी का निर्माण होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसका जवाब लिखना ही है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर तत्वों को सजाने से जो श्रेणी का निर्माण होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। एक बार इसका सुनो, मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर तत्वों को सजाने से जो श्रेणी का निर्माण होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और एक टॉपिक और है, तो लाइट कुछ कम है बाबू, हम इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं और इस चैप्टर आपको लगभग समाप्त हो गया है और इस
इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है हम सब आपको टेलीग्राम में डाल देंगे, कल या परसों तक पहुंच जाएगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सब लोग अपना अपना टेलीग्राम को खोल लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं बुआ।